वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। एक दफा का जिक्र है, कदीम मिस्र में एक बहुत अमीर शेख रहता था। उसके पास दुनिया भर की हर आसाइश मौजूद थी, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर उसके पास सुकून नहीं था। उसके जहन में हर पल हर वक्त बस एक ही सवाल गर्दिश करता रहता था कि सुकून कहाँ है। वो हर रोज अपने महल से इस सवाल के जवाब की तलाश में निकलता, लेकिन मायूसी के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपने साथ एक पोटली लिए फिरता था, जो सोने और चांदी के सिक्कों, अनमोल मोतियों, नायाब हीरों और बेशकीमती जेवरों से भरी हुई थी। जो भी मुझे इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देगा, मैं ये सारी दौलत उसे इनाम में दे दूंगा। इस सवाल के पीछे वो दर बदर की ठोकरे खाता फिरता था, कभी इस डगर तो कभी उस डगर। वो हर आलिम फाजिल, नीम हकीम, दानिश दरवेश और पीर फकीर से मिल चुका था। कभी कोई उससे कहता, आपको सुकून समंदर किनारे मिलेगा, मगर शेख साहब को वहाँ गीली मट्टी, पत्थरों, सीपियों और नमकीन पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर कोई उससे कहता, आपको सुकून पहाड़ों में मिलेगा, मगर उसे वहाँ भी मिट्टी, पत्थर, ताजी ठंडी हवा और एक दिल फरेब नज़ारे के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर किसी ने उससे कहा, आपको सुकून जंगल में मिलेगा, लेकिन वहाँ भी शेख साहब को चरिंद, परिंद, फूल, पेड़ और पौधों के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक राह चलते मुसाफिर ने शेख साहब को पास बसे एक गांव के बारे में बताया, जहाँ एक पुराने बलूत के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग का बसेरा था। आपको पता है, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उन्हें ना मालूम हो। उनके पास इल्म भी है और तजुर्बा भी। लोग दूर दूर से उनसे मशवरा लेने आते हैं, मुसाफिर ने शेख को यकीन दिलाते हुए कहा। मुसाफिर की ये बात सुनकर शेख की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और वो भी उस बुजुर्ग से मिलने गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो बुजुर्ग का हुलिया देखकर बहुत हैरान हुआ। बिखरे हुए से बाल और ढीले ढाले पैवंद लगे कुर्ते में बैठा ये सादा लौ शख्स दीवाना तो मालूम हो रहा था, लेकिन कहीं से भी दूर अंदेश नहीं लग रहा था। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो बात करने में कोई हर्ज नहीं, ये सोचकर शेख बुजुर्ग के पास गया और जाकर उन्हें अपनी सारी दास्तान सुना दी। अगर आपने मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे दिया तो मैं ये पोटली आपको बतौर इनाम दे दूंगा, शेख ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। ये सुनकर बुजुर्ग फौरन खड़े हुए, शेख के हाथ से पोटली छीनी और भाग गए। चोर, चोर, पकड़ो, ये शोर मचाते हुए शेख ने बुजुर्ग के पीछे भागना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुजुर्ग उस गांव की गलियों से बखूबी वाकिफ थे और काफी फुर्तीले भी थे। वो तंग गलियों में जाकर कहीं छुप गए और शेख साहब उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए और बिलाखिर आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। शेख साहब अभी बैठे ही थे कि उन्होंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। शेख को यूं बच्चों की तरह बिलखता हुआ, सिसकता हुआ देखकर बुजुर्ग उनके पास आए, उन्हें पोटली वापस दी और उनसे पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या मिला। शेख ने पोटली को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सुकून मिल गया। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।